Now we are going to study the segment of circle. So what is a segment? A portion of circular region enclosed between chord and corresponding arc is called segment of circle. याने circular region का ऐसा portion जो enclosed होता है किसके बीच में? Chord and corresponding arc है. Let's consider AB is the chord and here AXB is our arc. इन दोनों के बीच में जो भी enclosed हुआ है this shaded portion we called it as a segment. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो the area enclosed in between the chord and arc is called as a segment of the circle. So the portion of circular region enclosed between chord and corresponding arc is called segment of the circle. This region we called as a segment of the circle. So there are the two types of segment, minor segment and major segment. Let's see what is the minor segment. A segment is called a minor segment if it is less than the semicircle. Minor segment किसे कहा जाता है? A segment is called as a minor segment if it is less than the semicircle. जो भी, let's see, this is the imaginary diameter. अगर मैं diameter draw करती हूँ तो whole circle is get divided into two semicircle. जो semicircle से भी छोटा होता है, let's see, this semicircle, यहाँ से नीचे semicircle होगा और उससे भी जो छोटा है उसे कहा जाता है minor segment. So this is a minor segment. Or what is a major segment? A segment is called as a major segment if it is more than the semicircle. Let's see, ये ऊपर का जो देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं अगर y लिखती हूँ, याने ये shaded region और जो भी unshaded region है उसे कहा जाएगा major segment because it is more than semicircle. ये ऊपर का semicircle उससे भी ज़्यादा, ये ऊपर का पूरा unshaded region हो गया major segment. ठीक है, आपको सेगमेंट में समझ में आ गया. अब ये जब भी सेगमेंट फॉर्म होता है तो देखिए OP इज द रेडियस, OQ इज आल्सो रेडियस, PQ इज अवर कॉर्ड एंड PRQ इज अवर आर्क. जब भी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होता है हम उसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए ये सेगमेंट बनता कैसा है. ये सेगमेंट जो भी बना है यहाँ पे ये सेगमेंट है, ठीक है, आप देख रहे हो ये सेगमेंट है. तो उसका एरिया निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. याने हमें पूरे सेक्टर का एरिया निकालना होगा, उसके बाद हमें उससे ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करना होगा, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट. लेट्स सी, सपोज दिस इज अवर सेक्टर, हम एक जस्ट सेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ओ, दिस इज अ कॉर्ड, ये हमारी ओ ए रेडियस होगी, ओ बी, ओ बी ये भी रेडियस होगी, ये कॉर्ड ए बी रहेगी और ये रहेगा आर्क. अभी आपको पूरे सेक्टर का एरिया निकालना होगा, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, यू नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर बन गया. ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाया स्क्वायर. उसमें से हमें ट्राइंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल है उसका एरिया हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन द रिमेनिंग पार्ट वी कॉल्ड इट एज अ सेगमेंट. लेट्स सी, ये एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है, वी यूज डायरेक्टली फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाया स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. लेट्स सी ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे. एक्चुअली द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट. अगर ये थीटा 90 का रहा तो दिस इज बेस और दिस इज हाइट, तो इजी हो जाता है. लेकिन हर टाइम ये थीटा 90 डिग्री का नहीं रहता, एट दैट टाइम वी हैव टू कंसिडर 1/2 ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड आर इन टू आर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इन टू ये एंगल अलग है दैन 90 डिग्री, दैट्स वाई वी हैव टू यूज साइन थीटा. अगर साइन थीटा के लिए 30 डिग्री 60 डिग्री होगा तो हम डायरेक्ट वी नो द वैल्यू ऑफ 30 60 90 45, वी डायरेक्ट सब्सटीट्यूट. बट अगर अदर दैन दिस वैल्यूज रहा तो वो गिवन होता है क्वेश्चन में, हमें वो गिवन होता है, एट दैट टाइम वी सब्सटीट्यूट देयर वैल्यूज. सो 1/2 आर इन टू आर आर स्क्वेयर इन टू साइन थीटा. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बना है 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसा आया है. सो फ्रॉम हियर आर स्क्वेयर 1/2 वी टेक एज अ कॉमन, आर स्क्वेयर एज अ कॉमन, 1/2 एज अ कॉमन, तो
ये क्या बचता है, पाई थीटा, आर स्क्वायर गो एज अ कॉमन, सो हाफ ऑफ 360 इज 180 माइनस वन हाफ आर स्क्वायर इज वी टेक एज अ कॉमन, सो रिमेनिंग इज साइन थीटा. सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन टू इन साइड ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा. दैट इज द स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट. फ्रेंड्स, अभी हमने जो फॉर्मूलाज रिव्यू किए उसके बेस हम कुछ एग्जांपल लेने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हूज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर. यानी एक सर्कल है, ये पूरे कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ. ओके, उसका क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट कब बनता है, जब हम सर्कल को दो डायमीटर ड्रॉ करते हैं, दो इच फॉर्मिंग पार्ट वी कॉल्ड इट एज अ क्वाड्रेंट. दिस इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है. ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. तो ये पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर. और ये क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है. फ्रेंड्स, ये जो क्वाड्रेंट, इट इज ऑल्सो सेक्टर. एक्चुअली एग्जाम्पल हमें दो वैसे भी सॉल्व करते हैं. आपको पता है द क्वाड्रेंट पार्ट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी अगर हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर. यानी पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, उसका 1/4 यानी क्वाड्रेंट. इससे भी करेंगे, लेकिन अभी हमने सेक्टर भी पढ़े हैं तो हम उसको अप्लाई भी करेंगे. दैट्स वाई हम लिखेंगे लेट ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. और हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल. हमें और एक थिंग गिवन है, दैट इज अ सी. सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है. फ्रेंड्स, यहाँ पे दो डायमीटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दैट्स वाई हियर थीटा बिकम 90 डिग्री. यानी ये जो क्वाड्रेंट है, इट इज अ सेक्टर. उसका एरिया हम ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर. बिफोर दैट वी शुड नो द रेडियस. तो रेडियस किससे निकालेंगे, हमें सी पता है. सी का फॉर्मूला है 2 पाई आर. यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. सी की जगह 22 डालेंगे, 2 या पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ले लेंगे, तो हमारा आर आएगा. लेट्स सी 22, ये 7 यहाँ पे डिवाइड, हम यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करेंगे. 22 इंटू 2, ये न्यूमरेटर में है, यहाँ आके वो डिनोमिनेटर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ r. 22 गेट कैंसल, सो आवर r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 7 अपॉन 2, ठीक है. हम ऐसे लिखेंगे इसको. अब हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है. मैंने अभी बताया था दिस क्वाड्रेंट इज द सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का नाम बनेगा ओ ए बी इज इक्वल टू, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर. हियर थीटा इज द 90 डिग्री, बिकॉज जब भी क्वाड्रेंट फॉर्म होता है तो वो थीटा 90 डिग्री होता है. सो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई वी आर गोइंग टू टेक 22 अपॉन 7. हियर आवर रेडियस इज 7 अपॉन 2, दैट्स वाई 7 अपॉन 2 इनटू 7 अपॉन 2 बिकॉज हियर आर स्क्वायर. ओके, नाउ 0 0 गेट कैंसल, हम इसको मिनिमाइज करेंगे. 9 1 जा 9 4 जा, फिर यह आएगा 2 1 जा 2 1 जा 11. 7 7 गेट कैंसल, तो क्या बचे 1 अपॉन 4 इंटू 11 7 जा 77 अपॉन 2. सो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका आंसर आएगा द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 77 1 जा 77 77 अपॉन 4 2 जा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट.